नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। यशपाल आर्य ने संभाली नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, कार्यक्रम से नदारद रहे कांग्रेस के 9 विधायक। उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे, लालकुआ में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। जलालपुर हिंसा पर संत समाज आक्रोशित, चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। हनुमान जयंती पर जलालपुर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने निकाल फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। अब खबरें विस्तार से। यशपाल आर्य ने आज नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी ने उपनेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और हरीश रावत मौजूद रहे। कार्यक्रम से कांग्रेस के 9 विधायक नदारद दिखे, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सबके सामने आ गई। गस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 30 लाख के हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की अवैध संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए एसटीएफ और जिला प्रशासन की टीमें रवाना की गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड एसटीएफ इस गैंगस्टर की गैंग के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी शिकंजा कसने में जुटी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में न केवल फ्लैग मार्च निकाला, बल्कि पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। एसपी श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि हरिद्वार शहर के किसी भी थाना क्षेत्र में किसी को माहौल बिगाड़ने की अनुमति किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में 18 यानी आज से 22 अप्रैल तक वृहद स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने के कार्यक्रम तय किए गए हैं। नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत नैनीताल जिले में लालकुआ विधानसभा से हुई, जहां राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर में 6 अन्य विभागों द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी दी गई। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा रूटों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा रूटों पर निर्देशानुसार एक डॉक्टर की ड्यूटी 15 दिन के रोटेशन में लगाई गई है। उन डॉक्टरों को एम्स ऋषिकेश ने विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग को भेजे प्रस्ताव पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। तीर्थ पुरोहित समाज के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को भेजे ज्ञापन में कहा कि शासन व उत्तराखंड सरकार की मंशा यहां की जमीन व भवनों को हड़पने की है, सदियों से चली आ रही परंपरा को समाप्त करने की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना तीर्थ पुरोहितों के हित में नहीं है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में एक बार फिर से गैर हिंदुओं के शामिल ना होने का मामला उठने लगा है। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हरिद्वार के भगवानपुर के ज्वालापुर और दिल्ली जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद संत समाज ने ये मांग की है। संत समाज ने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक लगाने की पुरजोर तरीके से मांग की है। आज काशीपुर में राजनीतिक महारथियों की जमावड़ा लगने वाला है। यहां होने वाले एक शादी समारोह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के अधिकतर मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के फायर ब्रांड नेता उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कैलाश विजयवर्गीय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के अधिकतर मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा विधायक पंकज सिंह समेत 50 सांसद और 200 विधायक भी शहर में होने वाले शादी समारोह के कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंग का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20% बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ठेकों पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने नगर पालिका ठेकेदार नरदेव, ठेकेदार सचिव कुमार और ठेकेदार उमेश मिश्रा से 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। सोमवार दोपहर अचानक चंडी देवी की पहाड़ियों पर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से इसका धुआं साफ देखा जा सकता था। आग लगने के बाद राजा जी टाइगर रिजर्व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहे देवभूमि इनसाइडर।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।